आज की वीडियो में हम एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बात करेंगे हु यूज टू मेक ह्यूमन मीट बर्गर्स एंड सेल देम ऑन हिज साइड कार्ट। ह्यूमन मीट बर्गर्स से आई मीन जो बर्गर में मीट पैटी होती है वो उसे अपने मर्डर्ड विक्टिम्स के मीट से बनाता था। हिज नेम वॉज जोई मेथनी एंड हिज स्टोरी इज लिटरली माइंड बॉगलिंग, सो प्लीज वॉच टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। जोई के मॉम के अकॉर्डिंग वो एक शांत और सीधा बच्चा था और उसमें कोई रेज या एंगर नहीं था। बट एज पर जोई कन्फेस्ड ही वॉज नेग्लेक्टेड एज अ चाइल्ड बाई हिज पेरेंट्स एज हिज फादर वॉज एन एल्कोहलिक एंड डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। आफ्टर दैट हिज मॉम अबैंडन्ड हिम विद हिज फाइव सिब्लिंग्स और इस वजह से ही गॉट इनटू दैट टाइप ऑफ माइंडसेट। हमें उसकी अर्ली लाइफ के बारे में इतना नहीं पता है बट उसकी मॉम के हिसाब से जोई ने 1973 में आर्मी ज्वाइन करी थी और उसके बाद उनकी बातचीत बंद हो गई थी। उसके बाद जोई ने आर्मी छोड़कर ब्लू कॉलर जॉब्स करना चालू कर दी एंड देन केम द इंसिडेंट दैट स्पार्क्ड हिज डिजायर फॉर रिवेंज। 1994 में जोई एक ट्रक ड्राइवर का काम करता था और वो अपनी गर्लफ्रेंड और उसके 6 साल के बेटे के साथ साउथ बेलिटमोर में रहता था। एज अ ट्रक ड्राइवर वो बहुत दिनों तक घर नहीं आता था। एक दिन जब वो अपनी जॉब से आया ही फाइंड आउट दैट हिज गर्लफ्रेंड इज गॉन अलोंग विद देयर चाइल्ड। लाइक मेथनी सेड शी हैड अ ड्रग एडिक्शन और उसे लगता था कि वो किसी और के साथ भाग गई है। इस इंसिडेंट से जोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकल जाता है। फिर वो उसे हर जगह ढूंढता है और एक ब्रिज के नीचे भी जाता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड ड्रग्स बेचती थी, खरीदती थी और वहाँ पे कंज्यूम भी थोड़ा बहुत करती थी। उस ब्रिज के नीचे उसे दो होमलेस लोग मिलते हैं और जोई को ऐसा लगता है कि उन्हें उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता है। जब जोई उनसे जाके पूछता है और वो उन्हें कुछ नहीं बता पाते उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में, तो वो उन दोनों को एक एक्स से मार देता है जो वो अपने घर से लेकर आता है। इसके जस्ट बाद जोई को ब्रिज के पास एक फिशरमैन दिखता है और जोई को ऐसा लगता है कि फिशरमैन ने उसको मर्डर करते हुए देख लिया है, तो वो उसे भी एक्स से मार देता है। अब जैसे ही जोई को रियलाइज होता है कि उसने क्या करा और वो पैनिक में आके एविडेंस छुपाने के लिए तीनों बॉडीज को साइड रिवर में फेंक देता है। उसके बाद उसको थोड़ा बहुत पता पड़ता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका बेटा टाउन की किसी दूसरी साइड शिफ्ट हो गए विद सम ड्रग डीलर। आफ्टर सम टाइम जोई वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर द टू मर्डर्स अंडर द ब्रिज एंड ही स्पेंड नियरली अ ईयर एंड हाफ इन काउंटी जेल वेटिंग फॉर हिज ट्रायल। However, police was not able to prove him accused as he dumped the bodies in river, but they couldn't find them. Now the scary part starts. Without any physical evidence, police नहीं prove कर पा रही थी that Joey was the murderer and he went free. बाहर निकलने के बाद उसने वापस अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढना चालू कर दिया, but इस बार some things were different. उसने 1.5 साल जेल में निकाला बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जोई ने बाहर निकलते ही 2 सेक्स वर्कर्स का मर्डर कर दिया एज दे वर नॉट एबल टू गिव हिम इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड दिस टाइम ही हैड अ बेटर आइडिया ऑफ डिस्पोजिंग बॉडीज। इस बार बॉडीज को रिवर में डिस्पोज करने के बजाय वो उसे अपने घर ले जाता था, फिर उन्हें अलग अलग पार्ट्स में करके जो मीट वाला पार्ट होता था उन्हें टपरवेयर कंटेनर्स में स्टोर कर लेता था और जो उसके फ्रीजर में स्टोर नहीं होता था वो उसे एक ट्रक लॉट में गाड़ देता था जहां वो पहले काम करता था। इसके बाद कई हफ्तों तक उसने मर्डर्ड विक्टिम्स के मीट को पोर्क और बीफ के साथ मिक्स करके पैटीज बनाना चालू करा और वो उस पैटीज के हैमबर्गर्स बना के अपनी रोड साइड खोली गई फूड स्टॉल पर बेचता था। ड्यूरिंग दिस कस्टमर्स वुड ऑल कंज्यूम बाइट्स ऑफ ह्यूमन फ्लेश। जब भी जोई को स्पेशल मीट की जरूरत पड़ती थी या स्पेशल मीट की जरूरत होती थी वो जाता था, किसी का मर्डर करता था और फिर वही प्रोसेस वापस से शुरू करता था। बाद में पुलिस को उसने ये भी बताया था कि किसी ने उसे कंप्लेन नहीं की थी दैट हिज हैमबर्गर्स वर डिफरेंट, एज पर हिम एवरीवन लव्ड इट एंड नो वन न्यू दैट ही हैड समथिंग एक्स्ट्रा इन देम। एज ही सेड द ह्यूमन बॉडी टेस्ट वेरी सिमिलर टू पॉक, इफ यू मिक्स इट टुगेदर नो वन कैन टेल द डिफरेंस, सो द नेक्स्ट टाइम यू आर राइडिंग डाउन द रोड एंड यू हैपन टू सी एन ओपन पिट बीफ स्टैंड दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर, मेक श्योर यू थिंक अबाउट दिस स्टोरी बिफोर यू टेक अ बाइट ऑफ दैट सैंडविच। Then Joey was finally caught in 1996 जब उसकी एक विक्टिम रीता कैंपर managed to escape his clutches and ran straight to the police. अब इस interrogation में Joey ने पुलिस को हर एक मर्डर के बारे में बताया और उसने हर चीज कन्फेस करी और उसने ये भी क्लेम किया था that he had killed 10 people. Eventually jury found him guilty and sentenced Joey to death. हालांकि सन 2000 में एक जज ने उसके डिसीजन को ओवरटर्न करके जोई को 2 consecutive लाइफ sentences सुनाए थे। ये सब होने के बाद जोई वन सेड द ओनली थिंग आई फील बैड अबाउट इन एनी ऑफ दिस इज आई डिडंट गेट टू मर्डर द टू आई वॉज रियली आफ्टर एंड दैट्स माई एक्स लेडी एंड द बास्टर्ड शी गॉट हुक्ड अप विथ। इन 2017 गार्ड्स फाउंड मेथनी अनरिस्पॉन्सिव इन हिज सेल एट द वेस्टर्न करेक्शनल इंस्टीट्यूट इन चंबरलैंड एट अबाउट 3 PM। दे प्रोनाउंस हिम डेड शॉर्टली आफ्टरवर्ड दस एंडिंग द हॉरिफाइंग सागा। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ जोई मेथनी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज लेट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक द वीडियो एंड स्टोरी, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।